नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 9:31 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:33 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:58 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 9:57 से शुरू होकर रात 9:31 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 4 नवंबर की सुबह 6:35 से सुबह 7:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 1 नवंबर की सुबह 6:09 से भोर 4:36 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 2 नवंबर की सुबह 10:35 से दोपहर बाद 3:39 तक और एक बार फिर शाम 5:14 से रात 10:23 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 नवंबर की सुबह 8:53 से दोपहर 12:16 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 6:36 से सुबह 9:54 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 नवंबर की सुबह 6:35 से सुबह 7:43 तक और एक बार फिर सुबह 10:02 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 1 नवंबर की रात 9:20 से रात 10:33 तक और एक बार फिर रात 12:54 से भोर 4:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 4 नवंबर की दोपहर 1:52 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:51 से।
शाम 4:14 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:14 से शाम 4:40 तक, चंडीगढ़ दोपहर 2:51 से शाम 4:14 तक, लखनऊ दोपहर 2:37 से शाम 4:01 तक, भोपाल दोपहर 2:53 से शाम 4:18 तक, कोलकाता दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:35 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:37 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:47 से शाम 4:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस के लेन देन में ख्याल रखें, पहले सब कुछ अच्छे से जांच पर रख लें। इस राशि की जो महिलाएं गृह उद्योग शुरू करना चाहती हैं उनको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अगर मन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें, आपको इसका अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का पेंडिंग वर्क आज कंप्लीट हो जाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। होलसेल का व्यापार करने वाले लोगों को अधिक मुनाफा होगा। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको काम का अच्छा ऑफर मिल सकता है। आज हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होने से एनर्जेटिक रहेंगे और काम करने में आपका मन लगा रहेगा। मंदिर में इत्र की शीशी दान करें, आपके सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे लोग आज किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करेंगे। आज अपने जीवन साथी को किसी मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाएंगे तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। माताएं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम भी उठा सकती हैं। आज आप फालतू के खर्चों को कम करके बचत करने के बारे में विचार करेंगे। आपके व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। मंदिर में माथा टेक कर किसी काम की शुरुआत करें, काम में सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। दूर दराज के लोगों से संपर्क बनाकर बिजनेस करना लाभकारी रहेगा। आपके जीवन साथी का समर्थन और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। इस राशि की जो वकील हैं आज किसी पुराने केस में जीत मिलेगी, जो भी वकील लोग हैं, और साथ ही कोई नया केस भी मिल सकता है। पिछले दिनों के पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए आज सही समय है। किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करें, सब शुभ ही शुभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर भी आ सकते हैं। किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। छात्र आज अपने करियर को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आप गुरु से परामर्श लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। चंदन का तिलक लगाइए, मानसिक शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। पारिवारिक मामलों में आज थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक भी हो जाएगा। आप जिस किसी भी काम को करेंगे वो काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आपका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जल्द ही आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा।
आज ऑफिस के काम से आपकी यात्रा हो सकती है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम से रिलेटेड कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। लव मेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है, कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है, परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा, गाय को रोटी खिलाइए, सभी बाधाएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा, आपका कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज पूरा हो जाएगा। इस काम में आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिल सकता है। इस राशि के जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनको ज़्यादा लाभ के योग हैं। आज अचानक किसी अतिथि के आने से घर में उल्लास का माहौल बन जाएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलने से आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन एक नई उमंग लेकर आया है। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहाँ लोगों के ऊपर आपकी बातों से अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आज आप परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने में कामयाब होंगे, आपका सम्मान बढ़ जाएगा, लोगों को तेज़ी से परखने की क्षमता आपको आने वाली परेशानियों से दूर करेगी। घर में एक तुलसी का पौधा लगाइए, तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा, आज रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, इससे आपको अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस राशि के जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन कुछ सीखने का है। आज आपके पास आराम के लिए कम समय रहेगा क्योंकि पहले के टाले काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज आपको चुनाव करना है कि परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार करना है या उनमें फंसकर परेशान होना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप किसी धार्मिक समारोह में शामिल होंगे, आपके द्वारा समाज में किए गए कामों से आपका सम्मान बढ़ेगा, इससे आपको गर्व होगा। इस राशि की जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है, आपको जल्द ही अच्छा लाभ मिलेगा। आज परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताने से अनुभव होगा कि आपके प्रियजनों का आपके प्रति प्यार कितना गहरा है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन बेहद खास पल लेकर आया है। आप कोई अपनी योजनाओं के बारे में किसी उच्च अधिकारी से बात करेंगे, आपकी जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज दोस्तों के साथ आपको अपने व्यवहार पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वरना दोस्ती में दरार पड़ सकती है। जरा सा लूज मत होइए, बहुत संभल के चलिए। घर से निकलते समय दही खाकर निकलिए, आपके तमाम काम बच जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज शनिदेव को मन भी मन प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो जल में लौंग प्रवाहित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ मीटिंग होगी, मीटिंग सक्सेसफुल हो रहेगी। मूलांक 2, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करिए, इससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। मूलांक 3, फर्नीचर का व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। मूलांक 4, आपकी कड़ी मेहनत से आपका रुका हुआ विशेष काम पूरा होगा। मूलांक 5, घर परिवार के चल रहे किसी भी प्रकार के वाद विवाद खत्म होंगे। मूलांक 6, परिवार में नए मेहमान के आने की खुशखबरी से दुनिया खुशियों का माहौल रहेगा। मूलांक 7, किसी भी काम में आलस नहीं करना है वरना बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। मूलांक 8, छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है, सफल होने का शुभ योग बन रहा है। मूलांक 9, गरीबों को खाना खिलाएं, आपके घर में जल्द ही नई खुशियों का आगमन होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी मुख्य द्वार के पास छोटे गेट के बारे में, और आज हम बात करेंगे कर्ज से पूजा घर का क्या संबंध है। कर्जा ऋण, उसका पूजा घर से क्या संबंध है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण ईशान कोण में करवाना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिशा में मंदिर बनवाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब न लगवाएं, अन्यथा आप कर्ज के चंगुल में फंस सकते हैं।
पत्थर की जगह आप लकड़ी की स्लैब या अलग से लकड़ी का पूरा मंदिर बनवा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि लकड़ी का मंदिर बिल्कुल दीवार से सटा न हो, दीवार से थोड़ा हटाकर ही मंदिर का निर्माण करवाएं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार का दिन है। तृतीया तिथि आज रात 9:31 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:33 तक वरियान योग रहेगा। जब कोई मंगलदायक कार्य करने जा रहे हों तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। आज चंद्रमा वृष राशि में है, साथ ही आज के दिन चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी भी है। रोहिणी नक्षत्र आज देर रात 3:58 तक रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, उन 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसके स्वामी चंद्रमा और इसकी राशि वृष है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, ओजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। पेड़ पौधों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा रोहिणी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातकों को कभी भी जामुन का पेड़, उसकी टहनी, उसकी पत्तियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और न ही जामुन के फल या उससे बनी किसी भी चीज़ का कभी सेवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन की गति निरंतर बनी रहेगी। इसके अलावा आज सुबह 9:57 से शुरू होकर रात 9:31 तक स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस लोक में स्थित होती है वहीं इसका प्रभाव रहता है, लिहाजा स्वर्ग लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा, यानी कि शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको याद दिला दूं कि प्रत्येक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है, लिहाजा कल यानी 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। कल के दिन विवाहिताएं अपनी पत्नी के, अपने पति की लंबी आयु, अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। तो ये थी चर्चा वरियान योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में, और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप किसी अच्छे पद पर आसीन होना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी सुपात्र ब्राह्मण को यज्ञोपवीत दान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही एक अच्छे पद पर आसीन होंगे। अगर आप ऑफिस में अपना रुतबा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र भेंट करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में आपका रुतबा बना रहेगा। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में किसी तरह के कंपटीशन में जीत हासिल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 10 मुखी रुद्राक्ष की विधिपूर्वक पूजा करके उसे धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर तरह के कंपटीशन में जीत मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में पानी से भरे लोटे में थोड़ी सी दूर्वा डालकर दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है और अब वो आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगल का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। आज इस मंत्र का जाप करने से आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द ही वापस मिलेगा। अगर आपके करियर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं या आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके करियर में आ रही दिक्कतें जल्द ही खत्म होंगी और आपको जल्द ही एक अच्छी जॉब भी मिलेगी।
अगर आपके दांपत्य रिश्ते की खुशहाली में कोई तीसरा अड़चने डाल रहा है तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए आज के दिन आपको एक मुट्ठी मसूर की दाल लेनी चाहिए और उसे अपने जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराना चाहिए। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दांपत्य रिश्ते की खुशहाली में आ रही अड़चने अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर आप पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनाए रखना चाहते हो तो आज के दिन आपको हनुमान जी को शहद का भोग लगाना चाहिए, साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः। आज इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपके पारिवारिक रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। आज शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको स्नान आदि के बाद शमी के वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन शमी के वृक्ष से संबंधित किसी भी चीज़ को क्षति न पहुँचाए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने बच्चे के विवेक को जागृत रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाइए। वहां जाकर हनुमान जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, फिर भगवान के बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाएं और घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का विवेक हमेशा जागृत रहेगा। अगर आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो आज के दिन हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर थोड़ी सी मसूर की दाल रखें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद उस कपड़े पर रखी दाल को मंदिर में दे दें, उस लाल कपड़े को अपने पास रख लें। आज के दिन ये उपाय करने से आपको किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। अगर जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को ताजगी से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करें। साथ ही आज पूरा दिन जब भी आपको मौका मिले तो ढोल या मृदंग पर बजाया गया संगीत जरूर सुने। अगर आपको खुद बजाना आता है तो आज जरूर बजाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके चारों ओर खुशहाली होगी और आपकी ज़िंदगी ताजगी से भरी रहेगी। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो आज के दिन शिवजी की प्रतिमा के शिवलिंग के आगे या शिवजी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाकर आसन बिछाकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और संभव हो तो रुद्राक्ष या चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष या चंदन की माला उपलब्ध नहीं है तो कर माला पर गिनकर 108 बार मंत्र का जप कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज़ का भय नहीं होगा और स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर आप अपने धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाना चाहिए और भगवान की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, फिर रोली चावल का तिलक लगाएं। इसके बाद शक्कर से भगवान का मुँह मीठा करें, साथ ही फलों का भोग लगाएं और फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें और आखिर में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन धान्य के साधनों में बढ़ोतरी होगी। अगर आप तरक्की के नई बुलंदियों को छूना चाहते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने हाथों से पंचामृत तैयार करना चाहिए। पंचामृत तैयार करने के लिए दूध, दही, शहद, गंगा जल और थोड़ी सी शक्कर लेनी चाहिए और उन्हें आपस में मिलाकर पंचामृत तैयार करना चाहिए। अब इस पंचामृत से भगवान शंकर को भोग लगाइए और अपनी तरक्की के लिए प्रार्थना करिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही तरक्की की नई बुलंदियों को छुएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद
आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान आपके सभी कामों में मदद करें और उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन शिव जी को नारियल अर्पित करें, साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, व्यापार के प्रति आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। B, किसी मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, यह मुलाकात बहुत बेहतरीन होगी। C, आपका कोई रुका काम शाम तक किसी की मदद से पूरा भी हो सकता है। D, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने की आवश्यकता है। E, सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है, तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। F, कुछ खास लोग आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। G, आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर तरीके से होगा। H, काम काज के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं, परेशानी से बचने के लिए किसी की मदद मिल सकती है। I, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है। J, माता पिता से कुछ तोहफा मिल सकता है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। K, कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, साथ ही कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी होगी। L, आप शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं, खरीदारी में आपको कुछ छूट भी मिल सकती है। M, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा, घर के कामों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। N, मनोरंजन में पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन साथ ही आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। O, आपका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। P, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने का प्लान बना सकते हैं। Q, आपका रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। R, आपके लिए दिन खुशनुमा रहेगा, घर के सभी सदस्यों में तालमेल बना रहेगा। S, आपकी किस्मत आपके साथ रहेगी, आप जो भी चाहेंगे वो आप पा सकते हैं। T, आज का दिन भाग दौड़ में रहेगा, जिससे आपको थकान हो सकती है। U, बिजनेस के लिए आज का दिन अच्छा है, कोई डील फाइनल होगी। V, घर पर कोई करीबी रिश्तेदार आएगा, अपने साथ आपके लिए तोहफा भी ला सकते हैं। W, किसी दोस्त की मदद से आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा, आपके खुशियों के दिन वापस आएंगे। X, कोई खुशखबरी मिल सकती है, जो खुशी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। Y, राजनीति से जुड़े लोगों का दबदबा बना रहेगा, दिन बेहतरीन रहेगा। Z, लव मेट के लिए दिन अच्छा रहेगा, साथ में कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं। और अब आज के दिन बात आज के तीर्थ की, तो आज हम आपको ले चल रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या, जहां स्थित है हनुमान जी का पौराणिक मंदिर हनुमानगढ़ी। ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर साधु संतों का निवास है। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभयारामदास जी ने की थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 31 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज रात 9:31 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 9:20 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं,
कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण यानी कि साउथ। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज रोली से तिलक करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।